अरे लोग नहा रहे हैं। ये गेम जोन के अंदर बहुत सारे गेम्स। क्या नज़ारा है, वाओ, ऐसा देखने को मिलता नहीं है जल्दी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का एक नए व्लॉग में, एक नए दिन की नई शुरुआत में। और जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि आज हम लोग उत्तराखंड के लिए निकल रहे हैं, तो अभी मैं ऑफिस में आ गया हूँ। ऑफिस में अभी सब लोग आने वाले हैं जिनके साथ मैं जाने वाला हूँ, तो अभी गाड़ी आ जाएगी थोड़ी देर में, फिर हम लोग थोड़ी देर में निकलेंगे यहाँ से उत्तराखंड के लिए। और जिम कॉर्बेट में जाना है और रिजॉर्ट बुक किया हुआ है ऑलरेडी, तो सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी है, बस उन लोगों को आने का वेट कर रहा हूँ मैं। जैसे वो लोग आ जाते हैं वैसे हम लोग निकलेंगे यहाँ से। मेरा बैग ऑलरेडी पैक है और बस मैं वेट कर रहा हूँ, जब से लगभग आधा घंटा हो गया मेरे को वेट करते करते। 9 बजे निकलना था हम लोगों को, बट 9:30 से ज़्यादा हो चुके हैं। देखते हैं हम कितनी देर में पहुँचेंगे वहाँ पर, कितना टाइम लगेगा, तो मिलते हैं आके जैसी गाड़ी आ जाती है फिर निकलते हैं। ठीक है, चलिए ओके। और एकदम से मैंने खाया, मेरे गाड़ी में डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। मैं एक बात बताऊं, गाड़ी फिर से निकल गई है। नहीं, मैंने तो छोड़ दिया था, मेरा 10 दिन 15 दिन। काफी लंबे सफर के बाद फाइनली ढाबे पे रुक गए। नाम है मोगा, मोगा पंजाबी तड़का। और गाड़ी खड़ी है यहाँ और सुरेंद्र भाई है साथ में, और बाकी लोग भी पीछे आ रहे हैं गाड़ी में, दूसरी गाड़ी में। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं कैसा खाना है यहाँ का, और आके फिर उसके बाद निकलेंगे यहाँ से उत्तराखंड के लिए। तो चलते हैं अंदर। पहले निकले हुए हम लोगों से बहुत पहले निकले और अब पहुंच रहे हैं हम लोगों को बहुत बाद में, तो उनको लेट आ रहा है। कमर्स आ गए, हमसे पहले निकले हुए इंसान लेट आ रहे हैं, सब लेट है, सबके सब लेट है। अब खाना खा रहे हैं हम भाई। फाइनली एक लंबे सफ़र के बाद होटल में पहुंच गया मैं, सॉरी रिजॉर्ट में, और काफ़ी लंबा टाइम लग गया पहुंचने में। तो रिजॉर्ट दिखाते हैं कुछ कैसा है एंट्रेंस, और हम जाएंगे रिसेप्शन पे अब। और तो हम सारे अब लोग जा रहे हैं अपने अपने रूम के अंदर ऊपर। रूम 3 मेरा रूम, के अंदर एंट्रेंस, ये वॉशरूम, और ये मेरा बेड। तो रूम के अंदर आ गया, काफ़ी लेट हो गए पहुंचने में, मतलब इतना लंबा सफ़र मैंने कभी तय नहीं किया। इससे पहले भी मैं इस रिजॉर्ट में आ चुका हूँ, तो इतना टाइम तो नहीं लगा मुझे आने में। ठीक है, खैर कोई नहीं, देर आए सवेर आए, हाँ तो गए हैं। सो फाइनली रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं और अभी तक कुछ सोया नहीं है, सोया है, सुबह मिलते हैं फिर। जब तब तक गुड नाइट, मिलते हैं सुबह मॉर्निंग में। सो गुड मॉर्निंग, लगभग 7 बजने वाले हैं और अब बाहर जा रहे हैं टहलने के लिए। थोड़ा सा जैकेट वैकेट पहन लिया मैंने, फ्रेश व्रेश हो गए हैं और बाहर देखते हैं क्या है, जाके जाने क्रिकेट खेलेंगे, तो क्रिकेट विकेट जो भी खेलना है देखते हैं बाहर जाके, और टहल के आते हैं। तो चले फिर बाहर टहल के आते हैं। लाइटों को करते हैं बंद, मास्क की जरूरत नहीं है। की ले लेता हूँ और बाहर चलते हैं। एवरीवन
सारे लोग अलग अलग रूम में, इस रूम में बाहर पार्किंग है। रात के टाइम आए थे तो जो कुछ दिखा नहीं होगा, तो ये पार्किंग है। वो गाड़ी खड़ी है लास्ट वाली, एक गाड़ी वो खड़ी है, ठीक है। और ये आउट साइड है, जो सामने जंगल दिख रहा है इसके बीच में रोड है, तो रोड के इस तरफ जो जाली है, जाली लगी हुई है, उस जाली में करंट है, उसके पीछे कहते हैं शेर वेर हैं, तो इस तरफ कूद के ना जाए, इसलिए वहाँ पे एक जाली लगी हुई है, वहाँ पूरे में जाली लगी हुई है, पता नहीं देख पा रहे हैं या नहीं आप लोग। तो ये मतलब जाली को इसलिए लगा रखा था कि उधर से कुछ कूद के आ ना जाए, तो वही है सेफ्टी के लिए लगा रखा है। और हम नीचे चल रहे हैं, नीचे जाके देखते हैं क्या क्या है क्या क्या नहीं है, खेलने जा रहे हैं। तो मेरा तो बैडमिंटन खेलने का मन है, तो मिल जाएगा तो वही खेलूँगा मैं। क्रिकेट में मेरा वैसे भी बहुत इंटरेस्ट नहीं है कि मेरे को खेलना नहीं आता है। तो देखते हैं, बाहर खड़े हैं कहाँ पे, देख के आते हैं। ये किचन है जहाँ हम लोगों ने रात को डिनर किया था, ब्रेकफास्ट लगने वाला है थोड़ी देर में। पता नहीं क्या रखा है वो लोग, ग्राउंड कहाँ पहले तो ये ग्राउंड है। पहले हम लोग जब पिछली बार में आया था तो यहाँ पर हम लोग गेम्स एक्टिविटी कर रहे थे मॉर्निंग लगभग 6 बजे से, और अभी वो डोर खुला नहीं, उसमें प्ले जोन है आगे जाके बिल्कुल एंड में, डोर बना रखी है अंदर जाने के लिए। और यही वो फ्लोर है जहाँ हम लोग रुके हुए हैं ऊपर, ठीक है। मैं लास्ट टाइम आया था तो इधर कॉटेज है सारे, ठीक है, दो दो फ्लोर के कुछ ऐसे ही हैं। तो इधर राइट साइड वाला जो है, ठीक है, राइट साइड वाले में मैं रुका हुआ था। और ये क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में इंट्रोड्यूस किया हुआ है पहले से, ठीक है। तो इस साइड वाले कॉटेज में क्या है, दो रूम है और एक हॉल है। इस साइड वाले जितने भी कॉटेज हैं इनमें पहले एक हॉल आता है, फिर अंदर जाकर रूम आता है। और 204, ये 204 मेरा रूम था जब लास्ट टाइम मैं आया था। और अगर मेरे इंस्टाग्राम पे है तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो, क्योंकि इसी रूम में रुका हुआ था, मैंने वीडियो भी इसी रूम की बना रखी है, ठीक है। तो आगे जाके वो डोर बंद है, उसके पीछे गेम जोन है, स्विमिंग पूल सब कुछ वहीं पे है। तो देखते हैं थोड़ी देर में खुल जाएगा, फिर जाके वहाँ पे खेलेंगे।